हेलो फ्रेंड्स पूड़ी सास किचन में आपका स्वागत है मैंगो की सीजन आ गई है तो आज हम मैंगो रस बनाएंगे और उसके साथ मसाला पूरी बनाएंगे जो बच्चों और बड़ों को तो बहुत ही पसंद आएगी और मैंगो रस तो सबका फेवरेट ही होता है और इसका जो मसाला पूरी बनाएंगे उसका टेस्ट एकदम कचौड़ी के जैसा आएगा और ये एकदम फुली फुली और ठंडी होने के बाद भी इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा रहेगा उसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे कि यह पूरी मसाला पूरी एकदम टेस्टी लगेगी तो चलिए आज हम बनाते हैं ठंडे ठंडे मैंगो रस के साथ एकदम गर्मा गर्म फूली-फूली मसाला पूरी तो ये अभी हमने केसर मैंगो लिए हैं आपको जो पसंद है आप कोई भी वैरायटी के मैंगो ले सकते हैं पर ये केसर वैरायटी के जो मैंगो होते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं तो ये हमने लिए हैं तो इसको हमने एक घंटे तक पानी में भिगो के रखा था और उसको अच्छे से धो के हमने क्लीन कर लिया है और इसको अभी हम छील के नहीं ऐसे कट करके इसका मैंगो रस बनाएंगे तो ये जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा तो एक साइड से हमने ऐसे कट कर लिया है और मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें ऐसे कट करके इसके पीस कर लेंगे और उसको ऐसे नाइफ से ऐसे ऊपर से कट कर लेंगे और इसके छिलके को एकदम अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि कोई भी वेस्ट ना हो मैंगो ये देखिए एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया है दूसरी साइड से भी ऐसे ही हमें कट कर लेना है और ऐसे कट लगा के इसको भी एकदम अच्छे से क्लीन कर लेंगे अभी हमें जो साइड का छिलका होता है उसको ऐसे निकाल देंगे और जो गुटली का जो पार्ट है उसको भी एकदम अच्छे से नाइप से ऐसे कट कर लेंगे ऊपर से सारा मैंगो का पल्प निकाल देंगे और एकदम अच्छे से गुटली को क्लीन कर लेंगे तो ये देखिए हमने गुटली भी अच्छे से क्लीन कर ली है तो उसी तरह से हम सारे मैंगो को कट कर लेंगे और ये देखिए हमने कट कर लिया है और मिक्सर जार में ले लिया है तो अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे हम अभी पानी ऐड नहीं करेंगे तो ये हमने एकदम थिक पेस्ट बना ली है इसकी मैंगो की अभी हम इसको छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुटली हो या जो इसके रेसे हो सब निकल जाए और एकदम अच्छे से इसको छान लेंगे आप चाहे तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं पर मैं मीठे मैंगो है तो इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ आपको आपके टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं अभी हम मिक्सर जार में आधा कप पानी डाल देंगे और उसको भी अच्छे से छान लेंगे तो ये हमारा पूरा मैंगो रस अच्छे से छान लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको तो ये हमारा एकदम थिक मैंगो रस बन के तैयार हो गया मैंगो रस को थिक ही बनाना तो भी ये टेस्टी लगेगा और मैंगो रस तो सभी को बनाना आता है और ये एकदम इजी है तो अभी हम इसको फ्रीजर में ठंडा करने के लिए रख देंगे तब तक हम पूरी बना लेते हैं तो पूरी के लिए अभी हमने दो कप गेहूँ का आटा लिया है उसमें आधा कप बेसन डाल लेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा एकदम कचौड़ी के जैसा और इसमें वन फोर्थ कप सूजी डाल देंगे ये जो बड़ी वाली सूजी आती है वही लिए हमने उससे फूली फूली और एकदम करारी पुड़ियाँ बनके तैयार होगी अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे वन टी स्पून हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे और अभी हम आधा कप बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे हींग डाल देंगे चुटकी भर जीरा डाल देंगे वन टीस्पून और कसूरी मेथी डाल देंगे वन टीस्पून जितनी और अभी हम इसमें वन टेबलस्पून घी डाल देंगे आप चाहे तो इस आप चाहे तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं अगर घी डालेंगे तो ये पूड़िया एकदम बहुत ही टेस्टी लगेगी और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम ये एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एकदम पराठे के जैसा या रोटी के जैसा आटा लगा के हमें तैयार कर लेना है तो ये हमने देखिए आटा लगा के तैयार कर लिया है ऐसे आटा लगाना है हमें एकदम ना ही एकदम ज़्यादा कड़क और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट और इसको अभी हम ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे और आधे घंटा हो गया है आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है जो हमने सूजी डाली थी वो भी अच्छे से गल गई है तो अभी हम इसमें वन टी ऑयल डालेंगे और आटे को एकदम अच्छे से हमें मसल लेना है ताकि पूड़िया एकदम सॉफ्ट और उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा इसे मसलने से तो एकदम अच्छे से मसल लेंगे और अभी हमें एक जैसी लोहिया हमें तोड़ लेनी है आप चाहे तो मीडियम साइज़ की या छोटी छोटी भी पूड़ियाँ बना सकते हैं आपको जैसी पसंद है वैसी आप पूड़िया बना सकते हो अभी हम मीडियम साइज़ की पूड़िया बना के तैयार करेंगे तो ऐसे मीडियम साइज़ के से लोहे एक जैसे तोड़ लेंगे पहले फिर अभी हम इसके से राउंड राउंड पेड़े बना लेंगे ऐसे सभी ऐसे बना के रख देंगे और अभी हम पूरी बेलने के लिए ऐसे तेल पहले स्प्रेड कर लेंगे रोलिंग बोर्ड पे और उसके ऊपर बेलन के ऊपर भी हम तेल ऐसे स्प्रेड कर लेंगे ताकि चिपकेगी नहीं और पूरी बेल लेनी है हमें पूरी को ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है ज़्यादा पतली करेंगे तो पूरी मसाला हमने डाला है तो फूलेगी नहीं ऐसी रखनी है हमें ये देखिए इसकी थिकनेस तो अब अभी हम सारी पूड़ियाँ ऐसे ही बेल के तैयार कर लेंगे मीडियम साइज़ की अभी हमने तेल गरम कर लिया था अच्छे से तो इसको अभी हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको ऐसे फ्राई कर लेंगे ये देखिए एकदम अच्छे से फूल गई है और अभी हम इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से भी एकदम क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे गोल्डन ये देखिए हमारी पूरी एकदम फुली फुली बन तैयार हो गई है ऐसे ही अभी हम बाकी की सारी पूरियाँ भी फ्राई कर लेंगे तो ये हमारी एकदम मसालेदार और एकदम फुली फुली पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई है अभी हमने ये मैंगो रस के साथ सर्व की है तो ये हमारा एकदम ठंडा ठंडा मैंगो रस और मसाला पूरी बन के तैयार हो गई है ये देख के ठंडी होने के बाद भी एकदम फुली फुली रहेगी और इसका टेस्ट तो कचौड़ी के जैसा और बहुत ही टेस्टी लगेगी ये पूड़ी तो गर्मियों के सीजन में हमारे एकदम ठंडा ठंडा मैंगो रस और मसाला पूरी बन के तैयार हो गए हैं और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है आप ज़रूर से ट्राई करना और ये पूरी बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं रहेगा आप ज़रूर से ट्राई करना अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू ऑल